रामचंद्र भगवान की, माता की, बंधा भैया की। और मैं बहुत खुश हूँ। फर्स्ट टाइम मिल रहे हो? रोने की जरूरत नहीं है, तो बस अब दर्शन हो गए, बढ़िया बात है। आप लंगर में जो पूड़ी होने वाली है और चावल है। जय श्री राम, जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों एक बार फिर मैं आ चुका हूँ इतने बढ़िया और एक फैंटास्टिक व्लॉग के साथ। आज मैं आपको लेके आया हूँ दिल्ली की आईपी एक्सटेंशन में, जहाँ पे पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं शाम को 4 बजे कथा करने के लिए, श्री हनुमत कथा। भाई ये जो कथा है वो कब कब होने वाली है, दिव्य दरबार कब लगेगा, सारी जानकारी आपको मिलेगी। और ये कथा कहाँ पे हो रही है, नियरेस्ट मेट्रो क्या रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगी कथा की, सारी जानकारी आपको मैं इस व्लॉग में दे दूंगा, तो लास्ट तक जुड़े रहना। और हाँ गाइस, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो गाइस सबसे पहले बात करें यहाँ के एड्रेस की, तो भाई ये जो ग्राउंड आप देख रहे हो, इस ग्राउंड का नाम है रामलीला ग्राउंड और ये दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में स्थित है। तो गाइस अब बात करें नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की, तो नियरेस्ट मेट्रो पड़ेगा भी आईपी एक्सटेंशन का। आईपी एक्सटेंशन मेट्रो स्टेशन से ना ये जो दरबार लग रहा है वो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, 200-300 मीटर की डिस्टेंस पे ही है, तो आप बाई वॉक भी आराम से आप आ सकते हो। तो गाइस अब बात करें पार्किंग की, तो भी पार्किंग अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, 1 किलोमीटर दूर पार्क करना पड़ेगा अगर आप खुद के व्हीकल से अगर आप आते हो। तो मेरी आपको सजेशन रहेगी कि आप मेट्रो से ही आ जाओ आप। तो गाइस सामने देखो भाई, ये एंट्री गेट होने वाला है और मैं आपको बताऊं, ये जो एंट्री गेट है ना, मतलब मेट्रो स्टेशन से सिर्फ और सिर्फ 200-300 मीटर के डिस्टेंस पे ही है, तो आप बाय वॉक आप आ सकते हो। अब चलते हैं अंदर और आपको मैं अंदर की व्यवस्था दिखाता हूं मैं। तो गाइस अब बात करें कथा की टाइमिंग की, तो देखो भाई शाम को 4 बजे कथा स्टार्ट हो जाएगी और प्रभु इच्छा तक चलेगी। तो गाइस अब आपको मैं जानकारी देता हूँ कि ये कथा कब कब होने वाली है, दिव्य दरबार कब लगेगा, गुरुदेव दिव्य दर्शन कब होंगे। देखो भाई सामने लिखा हुआ 6 से 8 जुलाई 2023, तो कल 5 जुलाई थी, कल भव्य कलश यात्रा हो चुकी है। और बाकी देखो भाई कथा तो ये 6, 7 और 8 तारीख को होगी, और 7 तारीख को देखो भाई कथा के साथ साथ दिव्य दरबार भी लगेगा, और 8 तारीख को देखो भाई कथा के साथ साथ मतलब गुरुदेव दिव्य दर्शन भी होंगे। तो गाइस सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ के बारे में दे दिया, फिर भी कोई डाउट इंक्वायरी रह गया हो कमेंट कर देना, आपका भाई लक्ष्य अंदोन मैंने आपको रिप्लाई कर देगा। बाकी गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हाँ गाइस बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, उन्होंने एंट्री हमने कर ली है और देख सकते हो यहाँ पर बहुत ज्यादा चेकिंग चल रही है, बहुत टाइट चेकिंग है, तो कुछ ऐसी चीज मत लाओ जिससे अंदर कोई नुकसान हो, तो आपके यहाँ पर बैग चेकिंग होगी और फिर आप एंट्री करके अंदर जा सकते हो दरबार के अंदर। दरबार के अंदर हाँ, सबसे पहले आपकी चेकिंग होगी फिर अंदर जा सकते हो। तो गाइस जैसे ही आप चेकिंग करवा के आप अंदर एंट्री लोगे ना, एंट्री करते देखो भाई राइट साइड में आपको यक्षगान नजर में आ जाएगी और लेफ्ट साइड में है दरबार। तो एक बार आपको मैं जो है मतलब यक्षगान भी दिखा देता हूँ, फिर हम दरबार की तरफ चलेंगे। तो गाइस सामने आप देख सकते हो भाई, ये यहाँ की यक्षशाला है, तो रोज यहाँ पे यज्ञ होगा, तो यज्ञ का जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 10:30 बजे तक। तो गाइस यहाँ पे ना आप चंदन का टीका भी आप लगवा सकते हो इन भाई साहब से। हाँ जी राम राम जी, कैसे हैं आप सब? जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा ये चंदन का टीका है ना ये? अच्छा क्या लिखते हो आप? जय श्री राम लिखते हो, ठीक है। तो कितने रुपए ले रहे हो अब इसके? जिसकी जो इच्छा हो वो दे दे, ठीक है। तो गाइस मतलब ये कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं, जो आपका इच्छा हो मतलब दिल से आप जो देना चाहें, 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए जो आपका इच्छा हो आप इनको दे सकते हैं और जय श्री राम लिखवा सकते हैं। तो गाइस आप सामने देख सकते हो पूरे ग्राउंड में जो पानी पानी हो चुका है, लेकिन फिर भी देखो भाई लोग जा रहे हैं मतलब दरबार की तरफ। सामने दरबार लगा हुआ है भाई, देखो भाई सामने देखो काफी लोग जा रहे हैं, देखो बिना अपने मतलब कपड़ों की परवाह किए, बिना अपने जूते चप्पल की परवाह किए भाई, ये मतलब भगवान के लिए मतलब अपना प्यार ही है। और देखो भाई पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए मतलब प्यार है, जो लोग जा रहे हैं बिना परवाह किए, तो मतलब ये देख के भी बहुत मतलब मन प्रसन्न हो गया मेरा यार भाई, एक कदम और सनातन की तरफ बढ़ा रहे हैं अपना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस चल रहे हैं दरबार की तरफ, आपको मैं दरबार दिखाता हूँ यहाँ का। तो गाइस यहाँ पे देखो दरबार के बाहर देखो भी आपको यहाँ पे टी शर्ट मिल जाएगी, और टी शर्ट पे देखो क्या लिखा हुआ है आपको मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ। देखो भाई बागेश्वर धाम सरकार लिखा हुआ है, और ये टी शर्ट भाई कितने की देने वाले हो? 100 रुपए। कितने की? 150 रुपए की। सारे साइज मिल जाएंगे? तो गाइस देखो भी देखो टी शर्ट बहुत प्यारी लग रही है अभी, शर्ट है टी शर्ट है ये? टी शर्ट है। तो गाइस देखो भाई 150 रुपए की आपको टी शर्ट मिल जाएगी, जिसमे लिखा होगा बागेश्वर धाम सरकार, और सारे साइज मिल जाएंगे आपको। जय श्री राम भैया। भैया क्या 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 आपके पास भैया? मालाएं हैं, ये 200 रुपए की माला है, 200 रुपए की माला होने वाली है। और क्या आपके पास? चंदन है, 40 रुपए चंदन होने वाला है, 90 रुपए की घंटी है, 90 रुपए की घंटी। और क्या अभी आपके पास? ये वाली 80 रुपए की है। तो ये 80 रुपए की है। तो गाइस देखो भाई भैया का चेहरा देख लो भाई, यहाँ पे अगर आप आते हो तो भैया से खरीदारी जरूर करना। जय श्री राम भैया। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। तो गाइस यहाँ पे ना हमारे को एक मैम मिले हैं भाई। हाँ जी जय श्री राम जी, कैसे हैं आप? तो गाइस मैं आपको बता दूं भाई मैम की मतलब क्या खास बात है, देखो भाई इनके हाथ में जो तस्वीर है ना बाबा जी की है, और किसने बताई आप खुद बताओ भाई? बिल्कुल सब बच्चों ने मिलकर तैयारी की मेरे यहाँ पे बाबा के दर्शन के लिए, मैं आई हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। फर्स्ट टाइम मिल रहे हो? मैं फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। रोने की जरूरत नहीं है, तो बस अब दर्शन हो गए, बढ़िया बात है आपकी, तो ये मतलब दर्शन कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। मेरे रास्ते में कोई
जगह हेल्प मिली है, हर जगह। अकेले आए हो? अकेले आए। रोने की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ मिल गया आपको, आप मुझसे मिल लोगे आज, आप उनको अपने हाथों से प्रोवाइड करना ये। बिल्कुल। तो भाई एक बार आपको दिखाई तो भी कितनी प्यारी बनी हुई, देखो भाई बहुत बढ़िया यार। मेरे सब बच्चों ने मिलकर ये करी है। चलो एक बार आप भी मतलब जोर से बोल दो, जय श्री राम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो गाइस अब लेते हैं दरबार में एंट्री, आपको अंदर पंडाल दिखाता हूँ भी कितना बड़ा पंडाल होने वाला है। फिलहाल अभी एक बज चुके हैं और देखते हैं अभी एक बजे कितने लोग आ चुके हैं। वैसे तो गाइस देखो भी एक गैस लगा रहा हूँ, हजारों लोग तो आ चुके हैं और शाम को 4 बजे कथा स्टार्ट होने वाली है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि लाखों लोग भी आ जाएंगे। देखो भाई एक बार आपको मैं दिखाता हूँ कितने लोग हैं और कितना बड़ा पंडाल है। तो गाइस पंडाल में एंट्री करने से पहले ना एक बार जूते चप्पल वगैरह यहाँ पे उतार देना भाई, ठीक है? तो ये मतलब सबसे जरूरी इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ पे जूते चप्पल आप उतार देना और चलते हैं अंदर, आपको मैं अंदर दिखाता हूँ भाई। ये सारा पंडाल होने वाला, कितना बड़ा पंडाल है देखो भाई, मतलब वन टाइम में हजारों लाखों लोग आ जाएंगे। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। तो भाई देखो फिलहाल अभी 1 बजी है और देखो भाई मतलब आधा से ज्यादा पंडाल भर चुका है। देखो कथा स्टार्ट होने में अभी 3 घंटे हैं और आधा पंडाल तो भर ही चुका है अभी। देखो भाई भाई देख लो भाई, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी नाम पे एक बार ही कमेंट में लिख देना जय श्री राम, जय श्री राम। देखो भाई यहाँ पे देखो भाई मतलब कूलर भी हैं और उसके अलावा देखो फराटे भी मिल जाएंगे आपको, और देखो भाई छत वाले मतलब पंखे भी हैं। फिर भी अगर आपको मतलब गर्मी लगती है तो ये आपको जो है मतलब हाथ वाले पंखे भी प्रोवाइड कर देंगे। तो गाइस यहाँ पे ना एक बेस्ट चीज हो रहा है, पता क्या बेस्ट चीज बताता हूँ आपको। देखो भाई आपके साथ जो बुजुर्ग लोग आ रहे हैं ना, जो ज्यादा देर धरती पे नहीं बैठ सकते भाई, उनके लिए देखो भाई प्रॉपर एक गद्दे का इंतजाम कर रखा है, तो ये बेस्ट चीज कर रखी है। तो गाइस यहाँ पे हमारे को एक फैमिली मिली है, कैसे हो भाई? बढ़िया सब, जय श्री राम। कहाँ से आए हो आप लोग? कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से आए हो, किशनगंज से? तो सब बढ़िया। अच्छा पहली बार मिल रहे हो बाबा जी से? पहली बार मिल रहे हो क्या? तो एक बार जोर से नारा लगा दो, जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार और जय श्री राम। तो भी सामने देखो भी दरबार लग चुका है। देखो भाई जितना ज्यादा पास से हो पाएगा आपको दिखाऊंगा आपको मैं, चलते थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो भाई कितने लोग हैं, देखो मैंने बता ही दिया ऑलरेडी आपको भाई, मतलब हजारों लोग तो आ चुके हैं और शाम तक मतलब लाखों भी होने वाले हैं, बता रहा हूँ आपको मैं। देखो जितना क्लोज से हो पाएगा आपको मैं दरबार के दर्शन कराता हूँ मैं, बाकी यहाँ से दर्शन कर सकते हो। कितना प्यारा लग रहा है देखो दरबार। देखो भाई चलते हैं आगे, थोड़ा जितना आगे हो पाएगा आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखो भी कुछ भक्तजन जो है सेवा कर रहे हैं लोगों की। देखो भी ये ट्रॉफियां बांट रहे हैं, भैया एक हमें भी दे दो यार, थैंक यू भैया, जय श्री राम। तो गाइस देखो भाई काफी लोग यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, मतलब खाने पीने का सामान बांट रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये। तो गाइस यहाँ पे ना मेरे साथ मतलब और यूट्यूबर्स भी आए हैं अभी, जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक्चुअली गाइस पता है क्या, लंगर भी स्टार्ट हो चुका है, कथा से पहले आप लंगर भी यहाँ पे आप ग्रहण कर सकते हो। चले भाई चलो जी चलो। तो अभी हम लंगर चखने जा रहे हैं यहाँ पर, लंगर चखने के साथ में श्री हनुमंत कथा भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बहुत जबरदस्त वातावरण आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आप यहाँ पर आए और इन सब वातावरण को यहाँ पर देखें। और गाइस भैया को भी सपोर्ट करना, भैया आपके चैनल का नाम क्या है? मेरे जगह का नाम है भैया माउंटेन स्टेयर्स। बिल्कुल माउंटेन स्टेयर्स, सपोर्ट करना भाई को भी, आपको भी इनको भी सपोर्ट करना है, तो भाई आए साथ में। बिल्कुल सपोर्ट करना इनको भी, जय श्री राम, जय श्री राम। तो गाइस सामने आप बहुत बड़ा टेंट सा देख रहे हो, देखो भाई ये टेंट के अंदर ही जो है आप लंगर ग्रहण कर सकते हो। चलते हैं एक बजे ना, तो गाइस दिखाता हूँ आपको मैं लंगर में क्या क्या आप जो है ग्रहण कर सकते हैं, चलते हैं अंदर। तो गाइस सबसे पहले आपको मैं लंगर की टाइमिंग बता देता हूँ भाई। देखो भाई सुबह 10 बजे लंगर स्टार्ट हो जाएगा और 3 बजे तक चलेगा, फिर ये 6 बजे शाम को फिर स्टार्ट होगा और 7:30 बजे तक फिर चलेगा। तो गाइस देख सकते हो भाई लंगर में जो है पूड़ी होने वाली है और चावल है। जय श्री राम, क्या बात है, जय श्री राम। तो गाइस देखो आगे ये दाल होने वाली है, दाल है ना, जय श्री राम। तो आगे चलते हैं अभी, आगे देखो भाई आलू की सब्जी है ना, क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो बता रहा हूँ आपको मैं, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे, अच्छा आगे भी सेम ही है क्या? आगे भी सेम ही है, ओके। तो गाइस देखो लंगर होने वाला है, तो आप ग्रहण जरूर करके जाना यार लंगर। तो दोस्तों अभी लंगर हमने ग्रहण कर लिया, लंगर बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही स्वादिष्ट है, आपको कैसा लगा भाई? बहुत स्वादिष्ट लगा भाई मुझे, कसम से बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। बिल्कुल, तो गाइस आप भी आओ मतलब बाबा जी के दर्शन करो और लंगर भी ग्रहण करो, और हाँ गाइस अकेले मत आना, फैमिली को लेके आओ, बच्चों को लेके आओ। तो गाइस वैसे तो मौसम बहुत ठंडा है मतलब, लेकिन फिर भी ना मतलब देखो भाई यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर पानी का इंतजाम कर रखा है, तो आप बोतल वगैरह भर लेना, और जब आप मतलब पंडाल में बैठोगे ना बोतल साथ में लेके बैठना भाई। तो गाइस लंगर ग्रहण करके एक बार फिर जो है हम दरबार की तरफ मतलब पंडाल की तरफ जा रहे हैं। देखो भाई पहले मैंने आपको दिखाया था कि आधा पंडाल भरा हुआ था, उस टाइम 1 बजी हुई थी, फिलहाल अभी जो है 3:30 बज चुकी है और देखो भाई पूरा पंडाल भर चुका है। और देखो भाई आप देख सकते हो भाई आपके सामने ही है, देखो भाई जो भी है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया यार। इसी नाम पर एक बार दोबारा लिख देना भाई, जय श्री राम, पूरा पंडाल भर चुका है भाई। देखो काफ़ी लोग खड़े हैं अभी यहाँ पे, देखो भाई एक बार अपनी आंखों से देख लो भाई,
पूरा पंडाल भर चुका है भाई, पूरा पंडाल भर चुका है। देखो भाई कहीं भी जगह नहीं है देखो बैठने की। देखो भाई फिलहाल कुछ लोग जो अभी बाहर ही खड़े हैं, और थोड़ी देर बाद देखना भाई यहाँ जो लोग खड़े हैं ना, मतलब खड़े होने की जगह भी नहीं होगी, बता रहा हूँ आपको मैं यार। तो एक बार इसी नाम पे लिख देना, एक बार जय श्री राम। तो गाइस थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो है दरबार बिल्कुल क्लोज से दिखाया था मैंने आपको, लेकिन मैं ना कुछ और इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको मतलब बाहर चला गया था, लेकिन जब मैं दोबारा अंदर आया हूँ ना, देखो भी अंदर आते ही पूरा पंडाल भर चुका, मैं आपको ये भी दिखा चुका हूँ भाई। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम इनमें मैनेज कर लेंगे आपको, जो जब हमारे महाराज जी आएंगे मैं दूर से ही दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेकिन कमेंट में मतलब जय श्री राम रुकना नहीं चाहिए, आप लिखते रहो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, बहुत सारे लिख दो जय श्री राम। तो गाइस बाबा जी के दर्शन के लिए हम थोड़ा और आगे आ चुके हैं अभी, देखो भाई। और मैं आपको एक बात और बोल दूं भाई, देखो भाई मैंने आपको बताया था कि बारिश मतलब पानी वानी भर गया था यहाँ पे, तो फिर भी देख लो भाई यहाँ पे लोग बैठे हैं, पानी में ही लोग बैठे हैं देखो भाई। तो वही तो भाई लोगों की श्रद्धा है देखो भाई बाबा जी के प्रति और राम जी के प्रति, यार बहुत बढ़िया बात है ये। रामचंद्र भगवान की तथा तो सबसे बढ़िया वक्ता तो संसार में सबसे बढ़िया कोई श्रोता है तो केवल और केवल एक ही है, अनंत बलवंत परम संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में। हमारे भारत देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली में पढ़ पढ़ कर जुटाया है रामलीला ग्राम स्थान भूमि, जहां पर आज से 3 दिन तक मानव समूचा क्षेत्र अयोध्या सा नजर आ रहा है। तो गाइस फिलहाल मैं पंडाल से आ चुका हूँ बाहर भाई। देखो भाई पंडाल तो मैंने आपको पूरा दिखाया था कि कितने भक्तजन आए हुए हैं भाई, और देखो भाई बाहर भी देखो भाई पंडाल के बाहर देखो भाई आप, मतलब पंडाल तो मतलब कोने तक भरी गया है भक्तजन से, और देखो भाई बाहर भी देख लो कितने लोग नीचे बैठे हैं, कितने लोग देखो खड़े हैं भाई, भाई हजारों तो छोड़ दो भाई, लाखों में आए हैं लाखों में यार, बहुत बढ़िया। तो गाइस ये कुछ था आज की वीडियो में भाई, मतलब यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने बाबा जी के दर्शन इतने क्लोज से कर लिए यार, मतलब जिनको मैं मतलब YouTube पे देखता था TV पे देखता था, आज इतनी क्लोज से मैंने दर्शन के लिए भाई। और मैं तो मतलब क्लोज काफ़ी क्लोज में चला गया था, उसके बाद मैंने जो मतलब कैमरे को भी पूरा मतलब जूम कर लिया भाई, ताकि आपको भी इजीली दर्शन हो जाए, मतलब मैंने फिर पूरी कोशिश की है यार, ठीक है। तो अगर आपको दर्शन हो गए हैं ना, जय श्री राम लिख देना यार, ठीक है। सपोर्ट करना चैनल पहली बार हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय श्री राम। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना।